हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। और गाइस, स्मार्ट स्विम के लिए लेकर आ गए हैं एक और फ्री सर्टिफिकेट। जी दोस्तों, एक फ्री कोर्स जिसके साथ मिलेगा आपको फ्री सर्टिफिकेट। तो पूरी डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो गाइस, आप देख सकते हैं हम है एक पेज पे जिसका लिंक दे देंगे हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप सभी आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं। गाइस, यहाँ पर देखते हैं ये जो है सर्टिफिकेट है सिस्को साइबर सिक्योरिटी के कोर्स के बारे में। जी दोस्तों, ये जो सिस्को साइबर सिक्योरिटी का कोर्स है आपको फ्री में मिलने वाला है। आप इसे जैसे ही कंप्लीट करेंगे, इसके एग्जाम को कंप्लीट करेंगे, आपको मिलेगा एक वेरीफाइड सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, सिग्नेचर के साथ एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो मैं आपको लेकर दिखाऊंगा। तो मैंने जो है एग्जाम कंप्लीट कर लिया, सिंपल सा मुझे आप सर्टिफिकेट लेना है, वो आपको कंप्लीट करके बताएंगे आप। अगर गाइज आप इस कोर्स को पढ़ना नहीं चाहते हैं, सिंपल सा सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, तो गाइज बहुत ही आसान है। आपको यहाँ पर देखते हैं हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड कर दिए, तो यहाँ पर नीचे आपको चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। इन आंसर्स को कैसे अटेंड करना है पूरी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर देखें कोर्स की डिटेल्स पढ़ ली, तो साइबर सिक्योरिटी को लेकर ये सर्टिफिकेट कैसे लेना है पूरी यहाँ पर जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर देखते हैं इसके बारे में दिया गया है, आप इस कोर्स में क्या क्या सीखेंगे, तो वो यहाँ पर दिया गया है। इस कोर्स को मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, सारे चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिए और एग्जाम भी मैंने कंप्लीट कर लिया, इसीलिए मैंने आप सभी को यहाँ पर आंसर भी दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले आपको इस सेक्शन के अंतर्गत आना है। यहाँ पर दिया गया है पार्टिसिपेट कैसे करना है सिस्को साइबर सिक्योरिटी के एग्जाम में, तो यहाँ पर लिंक दिया गया है, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो गाइज आप यहां पर देख सकते हैं हम आ गए हैं सिस्को की नेटवर्क एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ नेटकेट का ऑफिशियल डोमेन है और यहाँ पर देखते हैं कोर्स की सारी डिटेल्स दी गई है और साइन अप करने का बटन भी यहाँ पर आपको मिल। इसके बाद गाइज आपको सिंपल सा करना क्या होगा, सबसे पहले जो है यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। यहाँ पर जो है सिस्को की वेबसाइट पर एक अकाउंट बनाना होगा, तो इसके लिए सिंपल सा आप साइन अप टुडे लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज दी गई है, तो यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर देखते हैं आप एनरोल नाउ के ऑप्शन पर यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पर सिंपल सा आपको करना क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर आपको नाम डालना है, यहाँ पर लास्ट नेम और यहाँ पर कुछ डिटेल्स, यहाँ पर जो कैप्चा है वो सेल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो नेट अकेडमी पर एक अकाउंट बन जाएगा, फिर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे cisco.com के अकाउंट पर, वहां पर भी आपको एक अकाउंट बनाना होगा। और गाइज जैसे ही आप कंप्लीट डिटेल्स भरकर ठीक है जैसे ही आप सिस्को के अकाउंट पर एक अकाउंट बना लेंगे, तो डायरेक्टली आप जो है नेट अकेडमी की वेबसाइट पर वापस से रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां पर आपका कोर्स आपको दिखाया जाएगा। तो गाइस जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे, सिंपल सा आपके सामने जो नेट एकेडमी का डैशबोर्ड है वो खुल जाएगा। यहाँ पर देखते हैं आपके सारे कोर्स यहाँ पर दिखाई देंगे, जो हमने कोर्स एनरोल किया है और कंप्लीट कर लिया वो यहाँ पर देखते हैं। साइबर सिक्योरिटी का कोर्स है जो मैंने कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पर देखते हैं मुझे गेट सर्टिफिकेट का एक लिंक दिखाई दे रहा है, जिस पर क्लिक करके मैं सर्टिफिकेट ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सर्टिफिकेट कैसे लेना है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो गाइस आपके सामने इस तरीके से एक कोर्स आ जाएगा, यहाँ पर जो कंप्लीट है इस तरीके से नहीं होगा। आपको यहाँ पर स्टार्ट कोड का एक यहाँ पर स्टार्ट कोड का जो लिंक है वो दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा का पूरा जो है कोर्स खुल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एक कोर्स खुल जाएगा। यहाँ पर देखने लगभग यहाँ पर 4 से 5 चैप्टर है, यहाँ पर देखें चैप्टर 4 और यहाँ पर 5 जो है आखिरी चैप्टर है। और इसको कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर देखते हैं आपको एक फीडबैक फॉर्म बनना होता है। तो फीडबैक फॉर्म में आपको 20 क्वेश्चन देना है, जो सिंपल आपका फीडबैक है, लेकिन आप फीडबैक फॉर्म को जो है स्किप भी कर सकते हैं। आप सिंपल सा एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन का आंसर करके उसे स्किप सबमिट कर देंगे। इसका फाइनल एग्जाम में आपको सारे ही क्वेश्चन कंप्लीट करने होंगे। गाइज आंसर तो मैंने आपको पहले ही बताया, आपको पिछली वाली वेबसाइट पर मिल जाएंगे। इसी तरीके से गाइज आपको कंप्लीट कैसे करना है वो आपको बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो चैप्टर 1 पे आप आएंगे, यहाँ पर चैप्टर 1 की जो पहली क्विज है उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जो एथिक क्विज है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगी, आपको एथिक क्विज पर क्लिक नहीं करना है। ठीक है, तो एथिक क्विज ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगी जैसे ही आप जो है चैप्टर 1 की क्विज को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आपको क्विज 1 पर क्लिक करना है, इसके बाद आपके सामने इसमें क्विज खुल जाएगी। यहाँ पर जो है री अटेम्प्ट का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी देखने आपको ग्रेड यहाँ पर दिखाया जाए जो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर जो है स्टार्ट क्विज का एक बटन दिखाई देगा, यहाँ पर जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो क्विज स्टार्ट हो जाएगी और एक साथ ही आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे जिनको आप अटेंड कर सकते हैं। तो गाइस जैसे ही आप चैप्टर 1 की क्विज को सबमिट कर देते हैं, तो वापस से आपको फिर से यहाँ पर कोर्स का होम यहाँ पर दिखा रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप वापस से होम पेज पर आ जाएंगे। और यहाँ पर अब आपको करना क्या है, इसी तरीके से आपको चैप्टर 2 की क्विज कंप्लीट करनी है। इस पर जाकर आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो लॉन्च चैप्टर पर क्लिक करके सारा इंट्रोडक्शन और जितनी भी जो असाइनमेंट है वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से गाइस आपको चैप्टर 3 जो है क्विज कंप्लीट करनी है, फिर चैप्टर 4, उसके बाद लॉन्च चैप्टर 5 आपको अगर चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद गाइस आपको एंड ऑफ कोर्स की फीडबैक लिंक पर क्लिक
करना है, इसके बाद जो है फीडबैक जमा करानी है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे सर्वे के तौर पर। और गाइज यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर जावास्क्रिप्ट बिल्कुल ब्लॉक नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपका पॉपअप नहीं खुल पाएगा तो एक नया विंडो नहीं खुल पाएगा तो आप इसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें कि आपके ब्राउजर में कोई भी जावास्क्रिप्ट या पॉपअप ब्लॉक ना हो, ठीक है। तो जो देखते मैंने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया, यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर दिया था, तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वापस से जो है कोर्स के होम पे आ जाइए। जैसे ही गाइज आप जो एंड ऑफ कोर्स फीडबैक को कंप्लीट करेंगे, इसी के बाद ही गाइज आपका फाइनल एग्जाम का जो है अनलॉक हो जाएगा, फिर आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आपको करना क्या, सिंपल सा फाइनल एग्जाम पर चले जाना है। यहाँ पर देखते हैं, मैंने ये ऑलरेडी ही कंप्लीट कर लिया, इसलिए मुझे रीटेक असेसमेंट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया टैब खुल जाएगा, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन नेक्स्ट नेक्स्ट करके कंप्लीट करना, 20 क्वेश्चन आप जैसे ही उनके टिक मार्क लगा देते हैं, इसके बाद ही आपको जो है असेसमेंट को सबमिट करना है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन लगा के नहीं करेंगे, अगर आप इसमें स्कोर नहीं करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो गाइस सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको जो एग्जाम में 70% से ज्यादा स्कोर करना होगा, जी हाँ 70% अगर आप ज्यादा स्कोर करते हैं तो ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर वापस से अब कोर्स के होम पर आ जाइए, यहाँ पर आप करना क्या है, आपको लेना है अपना सर्टिफिकेट। आपने पूरा एग्जाम कंप्लीट कर लिया है, अब सिंपल सा आप कर लिए क्या, यहाँ पर गाइस नीचे आएंगे तो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन यहाँ पर बताया गया कि कैसे ले सकते हैं, इस पर आप जो है ब्लॉग पढ़ सकते हैं। अगर आप तो पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कैसे लेना है, ठीक है। तो आप दो तरीके से ले सकते हैं, या तो आप देखते हैं यहाँ पर नेट कैट की जो है और डैशबोर्ड पर चले जाइए, आई एम लर्निंग बटन पर क्लिक करके, तो वहां पर आपको सारे कोर्स मिल जाएंगे। और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, यहाँ पर गेट सर्टिफिकेट का एक लिंक दिया है, इस पर क्लिक करके आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इसके बाद गाइज यहाँ पर आप ऊपर आपको एक अपनी प्रोफाइल का आइकन दिखाई देगा, आपको सिंपल सा करना है, क्योंकि अपनी आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन जाएंगे। यहाँ पर आपको नीचे मिलेगा सर्टिफिकेट एंड लेटर्स का एक जो है लिंक मिल जाएगा, तो सिंपल सा आप करिए, यहाँ पर सर्टिफिकेट बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो गाइज यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सर्टिफिकेट और कंप्लीशन, मैंने एक कोर्स कंप्लीट किया है जो कि मैंने आपको बताया है, यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट दिखा रहा है, गेट सर्टिफिकेट का एक लिंक है जिस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो गाइस जो है सर्टिफिकेट लेने के लिए अब आपको सिंपल सा करना क्या है, इस लिंक पर क्लिक करें, गेट सर्टिफिकेट की लिंक पर हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं आपको दो ऑप्शन मिलते हैं कि जो तो कौन से इंस्ट्रक्टर आपकी जो है सर्टिफिकेट में आप देखना चाहते हैं। यहाँ पर जो है सिस्को के सिग्नेचर चाहते हैं, यहाँ पर जेस्कोन स्मिथ तो सिस्को, अगर आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। आप जो भी चाहें वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते, ठीक है। सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो गाइस जैसे ही आप गेट सर्टिफिकेट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका सर्टिफिकेट आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस जैसे ही आप सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लेते हैं, सर्टिफिकेट आपके कंप्यूटर में आ जाएगा और इस तरह से कुछ सर्टिफिकेट आपको दिखेगा, ठीक है। तो इसे आप अपने कंप्यूटर मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं। और गाइस सारे ही क्वेश्चंस के आंसर आपको इस पेज पर मिल जाएंगे, यहाँ पर सारे ही चैप्टर वन के जो सभी आंसर यहाँ पर दिए गए, इसके बाद चैप्टर टू के, इसके बाद चैप्टर थ्री और फोर के, और इसके बाद साथ ही आपको फाइनल एग्जाम के सारे ही आंसर यहाँ पर दिए गए, ठीक है। तो गाइस जो है क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो अलग अलग होते हैं, जो लाइन से यहाँ पर नहीं होंगे, तो आपको सिंपल सा कंट्रोल एफ दबाकर क्वेश्चन को कॉपी करना है, सिंपल सा आपने जो है फाइंड विंडो पर इसे पेस्ट कर देना है, तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर नजर आएगा, इसके बाद आपको उसका आंसर जो है वहां पर जो है एग्जाम में दे देना है, ठीक है। तो आप इस तरह से इस प्रक्रिया को कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा, ऐसी ढेर सारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।